पता नहीं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो ये वीडियो बिल्कुल ना देखें प्लीज। तो गाइस सर आज हम आ चुके हैं पिपरोली गांव के अंदर जो कि रेशमी गांव है। ताकि यहाँ पे एक औरत रहती है जिसका शहर रहता है और ये आसपास वो औरत का शहर घूमता रहता है और काफी लोगों को उसने मार भी दिया है और बताया जाता है कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि उसको मारा गया था और उसके ऊपर बड़ी सारी चाट थी उसको ऊपर गिरा दी गई थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा आज भी यही भटकती रहती है। तो आज हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे क्या सीन है क्या नहीं है। वो आप वीडियो पर बने रहे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप मेरे पीछे देख सकते हो तो हमारे पीछे ये गाँव है पिपरोली गाँव जो की भैया दिखा रहा हूँ और इस तरफ में पहाड़ है गाइस। अब यहाँ पे देख सकते हो पहाड़ी पहाड़ी पूरा पहाड़ी इलाका है और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमें कोई अनुमान नहीं है। जैसा कि दिनेश भाई ने बताया कि चट्टान थी जो कि उस औरत के ऊपर गिरा दी जो उनके जो दुश्मन थे उसके ऊपर, तो उनकी जो मौत है दर्दनाक घटना से उसकी मौत हो गई। तो उसकी आत्मा जो है यहाँ पर भटकती रहती है और जो भी यहाँ पर बकरियां भेड़ बकरियां जो भी चराने आते हैं उनको परेशान करती है और काफी लोगों की जो गाय भैंस है और बकरियां है उसको भी यहाँ पर मारकर गिरा दिया है उस चुड़ैल ने। बाकी आगे चलकर देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ और क्या होता है। गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे है और 5 किलोमीटर दूरी पे ही पहाड़ है जो आप देख सकते हो, हमारे पीछे पूरा पहाड़ी इलाका है। अब हम उसको जांच पड़ताल करेंगे कि वो औरत हमें मिलती है नहीं मिलती है। आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं यार गाइस, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार गाइस, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में आप बने बताना ये रियल है यार, कमेंट में आप जरूर बताना ये रियल है। हमारे पीछे हमारी बाइक खड़ी है और हम तीन लोग हैं और हमारे साथ भाई वहाँ पर वो क्या है कौन है? नहीं नहीं ऑटोमेटिक हो रही है या है कोई उसके पास? दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई कैमरे में दिखाई दे रहा है क्या? हाँ 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 भाई दिखाई दे रहा है। कौन है? ओ भाई कुछ तो है भाई। हाँ कुछ तो है भाई, उसके पास बहुत ही खतरनाक कुल्हाड़ी है वो देखो भाई, ये तो लेडीज है। हाँ लेडीज है ये भाई। दिनेश भाई जल्दी आगे आगे भाई। ओ भाई खून तो कोई त्यौहार ये तो अभी आते हो हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमें मानना थे यार भैया। सुन भैया क्या करे, गाड़ी अचानक से बंद करी, गाड़ी को देखने थे यार कुछ नुकसान तो नहीं हुआ भाई? गाड़ी में तो कुछ भी और ही हो रहा है। चाबी निकाल लेता हूँ मैं यार अभी भाई। अपन घर पे कैसे जाएंगे? वो तो रास्ता ब्लॉक कर दिया हमारा ना। कौन है क्या तुम भाई? मुझे डर लग रहा है यार। चलो बैठो। ओ भाई कुल्हाड़ी है उसके हाथ में। ओ दिनेश भाई भाई मुझे नहीं लगता कि हम वापस घर जा पाएंगे। यार कुछ ना कुछ काट रही है तो लग रहा है वो बॉडी पड़ी है इंसानों के जैसे। देखो है मैं उसका हाथ में कुछ ना कुछ है। ओ भाई ये लेट कर क्या? ओ भाई भाई साहब और गाइस लगभग हमें 2 घंटे हो चुके हैं और बीच में हमारा कैमरा भी पूरा तरह से पूरा फ्लॉप हो चुका था, बंद हो चुका था। क्या पता क्या क्या उस चुड़ैल ने जो हमारा पूरा कैमरा फ्लॉप हो गया और वो अभी हमारी बाइक के पास बैठी है। हम बाइक से लगभग बहुत ज्यादा दूरी पर है, क्या करें गाइस पता नहीं। हाथ मत लगा यार दिनेश भाई, पागल मत हो। खून तो गाइस यार देखो ना खून अभी ताजा खून गाइस खून। अब गाइस वो तब वहाँ पे थी ना किसने किसी की बलि चढ़ाई थी उसने और उसकी उसका हाथ में देखा था ना तुमने क्या था भाई? क्यों भाई झाड़ियों की आवाज आ रही भाई? क्यों कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है? क्या बोरी 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 ये छप रही है और गाइस कुल्हाड़ पे देख लो सर गाइस बिल्कुल ताजा खून ताजा।
और गैस मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई वहाँ पे है। चले गया पास, चले गया आराम से भाई, आराम से। ओ भाई वहाँ पे मुझे लगता है कोई इंसान भी है वहाँ पे। अरे भाग भाई, भाई मुझे बचा भाई। मुझे लगता है वो जा रही है और उसकी कुलाड़ी क्या सुन भी कुलाड़ी का क्या फेंक दी क्या? और कैसे तुम्हारी कुलाड़ी तुम्हें को मुबारक हो। चल गाड़ी निकाल दो तो गाड़ी निकाल। और कैसे अब लगता है मेरे को बहुत ज्यादा डर भी है भाई, हम तीन लोग इसलिए वो हमसे डर ही जा रहे हैं। इससे कुछ हो ना जाए भाई, यार उसने कुछ करता नहीं हमारे बाइक के ऊपर। गाइस आज लेते हैं, अब वापस आएंगे कभी ना कभी दोबारा। और गाइस ये सच में ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी चुड़ैल रहती है, बहुत ही बुरी भी रहती है। और शाम को 4 बजे बाद के अंदर गाइस सच में यार 4 बजे के बाद में कोई भी नहीं आता है, बच्चा भी नहीं आता यहाँ पर। और उन गाँव वालों ने कहा कि ये तुम्हारी रिक्शे तुम जा रहे हो तो लेकिन तुम्हारी रिक्शे। और गाइस ये बात सच है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।